नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर उत्साह, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता में हम लोग देखेंगे कि कविवर महोदय ने क्या कहना चाहा है। चलिए देर न करते हुए, जो लोग पहली बार चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको दो भाग में पढ़ेंगे आधा आधा, फिर देखते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। प्रसंग बता देते हैं कि कविवर निराला जी ने जो है बादल को संबोधित किया है। बादल का आह्वान करते हुए कवि ने जो है उत्साह चैप्टर से कुछ चीजें बतलाई हैं, तो सार इसका देख लेते हैं। उत्साह कविता में कविवर महोदय ने कहा है कि हे बादल, गरजते हुए आओ, गरज ना करो, और तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए पूरे आकाश में घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले काले रंग वाले हो, और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों तथा उनके पालों के समान लगते हो। केवल महोदय ने कहा है कि हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल, तुम्हारे हृदय बिजलियां हैं, कान और वज्र के समान कठोर गर्जना भी है। तुम अपनी बिजली की चमक भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। कवि ने फिर बादल से कहा है कि हे बादल, गरजो और कसके बरसो। आगे देखते हैं क्या लिखा है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इसमें कवि महोदय ने कहा है कि जो है हे बादल, संसार के सभी लोग गर्मी से बहुत व्याकुल हो रहे हैं। विकल विकल मतलब व्याकुल हो रहे हैं। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिमाण स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ है। फिर केवल महोदय ने बताना चाहा है कि साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। ये कभी समाप्त होने वाला बादल नहीं है। तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है, यह धरती गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसाकर इसको शीतल कर दो। केवल महोदय ने फिर कहा कि जो कोई भी साहित्यकार होता है या रचनाकार होता है, उनके माध्यम से वो हर प्रकार से लोगों को प्रेरित करता है, और संसार में उसके विचार के मत होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जना करो और आकाश के मंडल पर छा जाओ। तो इस तरीके से ये कुछ कविता का भावार्थ था। तो इसमें कुछ विकल विकल मतलब होता है कि विकराल होना, मतलब कि बहुत ही परेशान होना, उन्मत्त होकर होता है मस्त होकर, ठीक है। निदाग, विश्व के निदाग के सकल जन, मतलब कि विश्व में सभी लोग, जो जितने भी लोग हैं वो विश्व के निदाग, मतलब इस विश्व में जो रहने वाले लोग हैं वो, ठीक है। धारा मतलब तप्त कर देना होता है। इस तरीके से जो है इस कविता का भावार्थ समाप्त करते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है अट नहीं रही है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तनसट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा कविता, तो बहुत ही अच्छे शब्द इसमें लिखे हैं। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कह रहे हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की, तनसट नहीं रही है। ये बात है फागुन की। फागुन मतलब कि जाड़ा लगभग खत्म ही हो जाता है बसंत के बाद का, लेकिन जो गर्मी होती है उसमें उतनी जो है तप्त नहीं होती, उतनी गर्मी नहीं होती। तो
तो केवल महोदय ने कहा है कि अट नहीं रही है कविता जो है, तो उसमें केवल महोदय ने कहा है कि फागुन के महीने की जो कांति है ना, जो धूप है, वो कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन में अपनी प्राकृतिक में उपमान का इतना सौंदर्य और अनुपम मनोहारी हो गया है, जो पूरी तरीके से शरीर के अंदर समा नहीं पा रहा है। हर जगह पूरे विश्व में सुंदर एवं हृदयग्राही नजारे बिखेरे हुए हैं, वे सभी एक साथ मन में बसाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो आभा है, आभा मतलब होता है जो प्राकृतिक नजारे होते हैं वो फागुन की, कह रहे हैं कि तन सट नहीं रही है, मन में समा नहीं रही। कह रहे हैं कि कहीं सांस लेकर देते घर घर भर देते हो, उड़नों को नभ में तुम पर पर कर देते, आता हूँ आँख अटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो कह रहे हैं, इतना देख लेते हम लोग, कह रहे हैं कविवर महोदय कहते हैं कि जो है जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है वहां सुगंध ही, क्योंकि ये तुरंत बसंत के बाद का मौसम होता है। फिर कहा, फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। ऐसा लगता है फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है, यदि उसमें अपनी आंखों को हटाना चाहूं तो इतना विवश हूं कि चाहते हुए भी मैं आंखों को उससे हटा नहीं पा रहा हूं। चलिए आगे कुछ को भी देख ले, बची हैं उनको भी देख लेते हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध, पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही है। चलिए इसमें देख लेते हैं। कविवर महोदय कहते हैं, फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई है, पेड़ों की डालियां हरी हैं, किसलय लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित हैं, मतलब परिपूर्ण हैं। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकती फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं, पेड़ पौधे खिले हुए हैं, सुगंधित फूलों से लदे हुए हैं। केवल महोदय फिर कहना चाहते हैं कि प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों में समा नहीं रही है। तो इस तरीके से ये कविता जो है अट नहीं रही है का भावार्थ हुआ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आता हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए अगर बात करें इसमें जो है, उत्साह में कभी बादल से फुहार रिमझिमे बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि कभी बादल क्रांति दूत के रूप में नजर आते हैं और समाज में क्रांति लाने के लिए विनम्रता की नहीं उग्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए गरज। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया क्योंकि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं और बादलों के गर्जना से उत्साह समाया होता है और उसी का संचार करने के लिए केवल महोदय ने कहा है। कविता में किन किन अर्थों की ओर संकेत किया है, तो पहला अर्थ है क्रांति के दूत और समाज में बदलाव के लिए उत्साह भरने के लिए, दूसरा लोगों के कष्ट और ताप को हरकर शीतल देने के लिए और जल बरसाने वाली शक्ति के विशेष रूप में कहा है, आगे आप देख सकते हैं। और जैसे रचना की अभिव्यक्ति है, और देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये अट नहीं रही है, इसमें छायावाद खास विशेषता क्या है, पहले का है, तो इसमें ये है कि खास विशेषता है कि अंतर्मन जो भाव है केवल महोदय के, बाहर दुनिया के सामंजस्य से बिठाना, कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, कभी आप फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, क्योंकि खेत खलियान बाग बगीच प्राकृतिक सौंदर्य जो भी आप देखते हैं पूर्ण यौवन पर नजर आता है और उसकी सुंदरता इतनी होती है कि अगर आप भी मन हटाना चाहें तो नहीं हटा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि किन प्राकृतिक व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, तो आप कह सकते हैं फागुन के महीने में हर तरफ उल्लास दिखाई पड़ता है, फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक है, पेड़ पौधे पर लाल लाल कोपले हरे हरे, फूलों की सुगंध का वातावरण महक उठा है, बस यही सारी चीजें सकते हैं। और आगे देखते हैं, ये शब्द संपदा होगी, आप देख सकते हैं कुछ वैसा नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए तब तक के लिए जो भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।